Hi everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in. So let's continue the topics of your chapter number 9, the making of the national movement 1870 to 1947. उसके ऊपर सत्याग्रह हुआ था, उसके अगेंस्ट, इस एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह लड़ा गया था. सो रॉलेट एक्ट ये था कि इसके अंदर भाई ब्रिटिश, जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने हिंदू मुस्लिम, आप कह सकते हैं पूरे इंडियंस, सारे इंडियंस के राइट को कर्टेल कर लिया था. यानी कि सारे इंडियंस के जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इक्वालिटी, उसको क्या कर लिया था, उसको रोक दिया था. यानी कि उसको अब आप नहीं एक्सरसाइज कर सकते हैं. ये था रॉलेट एक्ट. और भाई कांग्रेस के सारे मेंबर्स, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, सबने एक ही बात बोली कि आपको बेसिक फ्रीडम रोकने का कोई अधिकार नहीं है, आपको हमें बेसिक फ्रीडम देनी पड़ेगी. और रॉलेट एक्ट के खिलाफ क्या करा गया, सत्याग्रह करा गया बाय महात्मा गांधी. ठीक है, रॉलेट एक्ट स्ट्रेंथेंड पुलिस पावर एंड कर्ब फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम. रॉलेट एक्ट में एक और चीज थी कि भाई पुलिस जो थी ना, वो कहीं भी जाके किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है. पहले क्या होता है, अभी भी होता है कि पुलिस आती है और वारंट दिखाती है कि भाई इस जुर्म में, इस बात में हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, और तब भाई जाना पड़ता है. लेकिन क्या होता था ब्रिटिश के टाइम पे, ये रॉलेट एक्ट में ये था कि भाई कहीं मतलब किसी भी ब्रिटिशर्स को मन करा जाके पुलिस, मतलब जितने भी पुलिस रहते थे उनको मन करा और जाके उन्होंने इंडियंस को धर लिया और जाके उन्होंने इंडियन को बेड़ी पहना दी. ऐसे होता था. यानी कि भाई एक आम इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं है, उसका कोई बेसिक राइट्स ही नहीं है. सो इसी के ऊपर ये रॉलेट सत्याग्रह लड़ा गया था 6 अप्रैल 1919 को, नॉन वायलेंट एंड मैसेकर ऑन 13 अप्रैल. तो नॉन वायलेंट मूवमेंट था पूरी तरीके से. आपको पता ही है कि महात्मा गांधी अहिंसा पर ही विश्वास करते थे, उनको हिंसा पसंद नहीं थी. वो चाहते थे कि आपको, हमने सुना तो होगा ये थप्पड़ मारो दूसरा थप्पड़ भी खा लूंगा मैं. वैसे तो ये काफी ज्यादा फूलिश लगता है क्योंकि बहुत से लोग थे जिन्होंने अपनी जाने गवाई हैं, वो एक थप्पड़ खा के दूसरा थप्पड़ खा के एंड देन गोली मार देते थे. मेन है कि स्वराज छीनना पड़ता है, और ये सारी बातें भगत सिंह ने भी कही थी कि हमें छीनना पड़ेगा, वो हमें हाथ में दे नहीं देंगे सजा के बिल्कुल. सो जब हम लोग आजादी लड़ रहे थे उसमें भी भाई बहुत सारी हिस्ट्री है, लेकिन हम पहले चैप्टर पे फोकस करते हैं. ठीक है, नॉन वायलेंट मूवमेंट था पूरी तरीके से. 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह इंप्लीमेंट कर दिया गया था. इसके खिलाफ लोग भाई हड़ताल कर रहे थे, अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे. इस वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो इतनी बुरी तरीके से उन्हें मारते थे, इतनी बुरी तरीके से उनको सप्रेस करने की कोशिश करते थे. इसमें से एक था जलियांवाला बाग मैसेकर, इसके बारे में कौन नहीं जानता है. इसके अंदर भाई मुझे माफ करेगा, मैं हंस नहीं पाऊंगी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक एक आप कह सकते हैं दिन था, जिस दिन पे 13 अप्रैल बैसाखी थी, बहुत ही खुशियां मना रहे थे लोग. और जलियांवाला बाग है ना, बाग मतलब कि एक जगह होके पार्क की तरह वो था, एक ग्राउंड था, लोग वहां पे एकत्रित थे और कोई बातें कर रहा था, कोई अपना मौज कर रहा था, कोई हंसी मजाक कर रहा था. वहां पे थोड़ी बहुत मीटिंग्स, गैदरिंग्स हो रही थी, और वही अचानक से जनरल डायर अपनी पूरी की पूरी फोर्स को लेकर वहां पहुंचे. हर जगह से हर एक हिंदू को घेर लिया गया, हर जगह से, यानी कि सामने से, पीछे से, हर जगह से. और पीछे की तरफ तो दीवार थी ना, तो बंदे चढ़ ही नहीं पा रहे थे, लोग चढ़ ही नहीं पा रहे थे उस दीवार पर. और देखते ही देखते फायर बोला, लोग देख रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं. जैसे उन्होंने गन्स देखी एंड फायर बोला और सारे लोगों को भून दिया गया, सारे लोगों को मार दिया गया. उसी वक्त बच्चे थे, औरतें थी, वहां कुएं थे, कुएं में कूद कूद के बंदे अपनी जान दे रहे थे. इवन वहां पे जो वॉल है आजकल के वक्त पे, जो जलियांवाला बाग है, वो पर्यटकों के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव स्थल है. वहां पे लोग जाते हैं, देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे कितने बुलेट्स, अभी भी वो वॉल्स पे बुलेट्स लगी हुई है. तो ये जलियांवाला बाग मैसेकर जो 13 अप्रैल को हुआ था भाई, बहुत ज्यादा दुखदायी दिन था हमारे पूरे भारत के लिए. और जब ये महात्मा गांधी को पता चला था तब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे, उनको बहुत ज्यादा बुरा लगा था. एंड बाकी लीडर्स तो मतलब तैश में आ गए थे. ठीक है, एंड गांधी वॉन्टेड हिंदू मुस्लिम टूगेदर टू फाइट ब्रिटिश. यानी कि गांधी जी, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में दो धर्म सबसे ज्यादा मात्रा में थे, पॉपुलेशन में थे, पंजाबी, पारसी हो गए, सब
थे धर्म लेकिन इनमें पॉपुलेशन ज्यादा नहीं थी. जो मेजर धर्म थे वो थे हिंदू और मुस्लिम, और हिंदू मुस्लिम में कभी कभी छोटी मोटी टकरार चलती रहती है, वो चलता रहता है. लाइक दो दोस्त होते हैं ना, टकरार करते हैं फिर एक साथ फिर से गले मिल लेते हैं, वैसे हमारे हिंदू मुस्लिम दोनों भाई हैं. फिर गांधी जी ये चाहते थे कि दोनों साथ साथ रहे, तो दोनों ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या करे, साथ साथ करके लड़ाई करे. अगर एकजुट हो जाएगा ना कोई तो उसे कोई नहीं तोड़ पाएगा. ठीक है, तो ये जो रॉलेट एक्ट था उसके ऊपर ये सत्याग्रह लड़ा गया था बाय महात्मा गांधी एंड अदर लीडर्स. ठीक है, सो ये जो टॉपिक था हमने क्लियर कर लिया. बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.